हाँ तो साथियों, लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे कि हमारे व्यवसाय में तीन प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र का खाता। इसमें से अपन व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो इस प्रकार है, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करिए और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करिए। डेबिट द अकाउंट ऑफ द रिसीवर एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द गिवर। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करता है उसे डेबिट करिए, जो व्यक्ति वस्तु देता है उसे क्रेडिट कर लिए। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि प्राप्त करने वाला कौन है और देने वाला कौन है। उसके बाद में दूसरा हमारा खाता आता है वस्तुगत खाता या रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम इस प्रकार है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसके खाते को डेबिट करिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसके खाते को क्रेडिट करिए। अर्थात डेबिट द अकाउंट विच कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट विच गोज आउट। इसी प्रकार से तीसरा खाता है नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र का खाता। इसका नियम इस प्रकार है, समस्त खर्चों, हानियों और व्ययों के खातों को डेबिट करिए तथा समस्त आय और लाभ के खातों को क्रेडिट करिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस देयर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द अकाउंट ऑफ ऑल द इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। इस प्रकार हमारे पास तीन खाते, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र का खाता कार्य करेगा। जिंदगी में हम कोई भी काम करें बिना नियमों के संचालन नहीं हो सकता, नियम तो हमें रखने ही पड़ते।